बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष ठाकुर की अगुवाई में युवा मोर्चा के माध्यम से सैनिटाइजेशन का काम किया गया। सबसे पहले लखनपुर रघुनाथपुरा तथा नौनी पंचायत को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही पूरे सदर विधानसभा क्षेत्र को सैनिटाइजेशन का भी अभियान किया जाएगा। विधायक सुभाष ठाकुर ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन युवाओं के द्वारा किया जा रहा है ताकि पूरे विधानसभा क्षेत्र में दवाई का छिड़काव किया जा सके तथा कोरोना महामारी से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि युवा सभी पंचायतों में जाकर सैनिटाइजेशन के साथ साथ लोगों को महामारी के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सारी व्यवस्था प्रशासन के साथ चल रही है ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो हिमाचल में सबसे ज्यादा बिलासपुर जिला में वैक्सीनेशन करवाई गई है। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि इस कोरोना से बचने के लिए सब एकजुट होकर सरकार के द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो वे युवाओं से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि घर से बाहर निकलें तो सही से मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। बिलासपुर सदर चुनाव क्षेत्र के युवा मोर्चा के माध्यम से सैनिटाइजेशन का कार्य युवा मोर्चा करेगा। आज इन्होंने लखनपुर रघुनाथपुरा और नौणी पंचायत को कवर करेंगे और ये सैनिटाइजर हमारे पास 1,500 लीटर सैनिटाइजर इनको दिया गया है। ये सारे कोरोना का जो ये महामारी है, विश्वव्यापी महामारी है, इसके तहत ये सारे इसको सैनिटाइज भी करेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। और सर हमारे जितना भी युवा मोर्चा वाले हैं, ये सारे सभी पंचायतों में जाके वहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों को भी और अपने जो युवा मोर्चा के जितने भी लोग हैं उनके माध्यम से हर जगह पर ये सैनिटाइज करेंगे और इस कोरोना महामारी से जागरूक भी करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे बिलासपुर में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जानकारी भी लेना चाहते हैं, बिलासपुर में यह कोरोना का जो या वो है, इससे यह कोई कोरोना के माध्यम से जो लोगों में एक पैनिक था और लोगों को एक भय की स्थिति थी, ऐसी बिलासपुर में नहीं है। ये अंडर कंट्रोल है और अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं सारी की गई हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर टोटल जो कंफर्म केसेज हैं कोरोना के, वो 8,905, एक्टिव केसेज हैं ये 2,865 हैं और उसी तरह से रिकवरी जो रेट है केसेज हैं 6,001 रिकवर हुए हैं और यहाँ से माइग्रेटेड जो लोग हैं वो माइग्रेट हुए हैं, वो 16 लोग यहाँ से माइग्रेट हुए हैं। और उसी तरह से वैक्सीनेशन का भी पूरे हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई है और लगभग 90-95% जो हमारे जो 65 से 59 से लेके ऊपर तक के जो आयु के 45 से ऊपर आयु के हैं उनकी जो वैक्सीनेशन हुई है वो 90% यहाँ पर वैक्सीनेशन हुई है। और उसमें भी मैं आपको आंकड़ों सहित यह कहना चाहूँगा कि 1,11,954 यहाँ पर फर्स्ट जो डोज की वैक्सीनेशन हुई है और सेकेंड डोज की 32,341 यह पूरे जिला में वैक्सीनेशन हुई है और हर जगह पर शांतिप्रिय तरीके से वैक्सीनेशन भी हो रही है और आने वाले दिनों में जो नौजवान है उनके लिए भी ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम और यहाँ पर व्यवस्था हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। और उसी तरह से हमारे डेडिकेटेड कोविड सेंटर हैं, घुमारवीं में है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में है और यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी प्रबंध किया गया है। तो यहाँ पर हमारे बहुत से अभी तक खाली बेडेड हैं, बेड हैं और पूरी व्यवस्था है, डॉक्टर्स और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगा हुआ है। आम जनता से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि यह महामारी ना हमारे कंट्रोल में है, ना ये स्वास्थ्य विभाग के और ना ही आम व्यक्ति और ना ही किसी सरकार के और के कंट्रोल में है। ये हम सभी को मिलजुल के इस लड़ाई को पार करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए और सभी को जागरूक अपने आस पड़ोस में भी करें, अपने आप में भी जो इसके तहत हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन हैं, यह इंस्ट्रक्शन आप सभी हम सभी के लिए है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार के लिए या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, यह सभी के लिए है। इसलिए इसका पालन भी करें, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मैं यह भी कहना चाहूँगा किसी को कोई भी आवश्यकता, किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो तो ज़रूर
संपर्क करें, हमसे भी संपर्क करें और हमने कुछ नंबर्स दिए हैं उनसे भी संपर्क करें, एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करें। दवाई का प्रबंध किया गया है, यहाँ पर माकूल दवाई है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी दवाई का कोई अभाव है। ऑक्सीजन यहाँ पर माकूल है और आने वाले दिनों में यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया जा रहा है, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा और बिलासपुरवासियों को उसका बधाई देना चाहूँगा कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी और घुमारवीं में भी ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं। इसलिए एक बार फिर मैं युवा मोर्चा वालों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ करेंगे ये इससे और सारे सभी पंचायतों में सभी लोगों को साथ लेके जागरूक भी करेंगे और सैनिटाइजेशन भी करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।